Curious to see everybody's glow up, so show me a picture of you 5 years ago and a picture of you now. I'll start. This is me around 5 years ago, and this is me now. Wild. हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोस के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इस टाइप की वीडियोस को बना सकते हो। जो अभी आप लोग ने प्रीव्यू में देखा होगा, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम के रील्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो आप लोग भी चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोज़ को बनाना, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। वो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे ऐसे ही इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स ट्यूटोरियल आपको हमेशा हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा वायरल जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में वही बताऊंगा किस तरीके से बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप फॉलो करके आप लोग बना सकते हो इस टाइप की वीडियो। चलो आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग को इस एडिटिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन का नाम है वीएन एप्लीकेशन। ये आपको सिंपली प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा फ्री में। सिंपली डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिख जाएगा आपको वीडियो वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको सिंपली करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का ऐसा दिखता है, यहाँ पर ब्लैक पेज। तो यहाँ पर सिंपली ब्लैक वाले पर क्लिक करके राइट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको कर लेना है क्लिक। तो ये ब्लैक वाला जो है, इस पर करना है क्लिक। करना है यहाँ पर क्लिक। अभी आपको यहाँ पर कैनवास वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 9:16 रेशो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, राइट कर देना है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से इसका रेशो को बढ़ाना है। इस तरीके से आपको रेशो रखना है 6.5 सेकंड का, जो आपका ड्यूरेशन रहेगा इस फर्स्ट वीडियो का, उसका ड्यूरेशन रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 6.5 सेकंड का रहेगा। करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर सब देख सकते हो आप लोग, टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को जो भी आप लोग को टैक्स रखना है, जैसे 5 years अगो वर्सेस नाउ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे 5 years अगो वर्सेस नाउ। तो आप लोग भी अच्छी तरीके से लिख लेना। रखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरीके से। करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, पर आप लोग अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हो। इस ये अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ पर इस तरीके से आपके टैक्स को कलर वाइज भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे इसे कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, शेडोज़ आपको शेडो चेंज करना है, वैसे शेडो वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर, आप चाहते हो कि यहाँ पर इसका पहले तो आपको यहाँ पर इस तरीके से फुल कर लेना है आपका, जहाँ तक कि आप लोग ने रखे थे। यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा उसे डिलीट कर लेना है। अभी करने का यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। अभी आप लोग चाहते हो कि पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ब्लैक से हटाकर कुछ अलग कलर करना, अब बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कई सारे जैसे मिल जाते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके का बैकग्राउंड। तो आप लोग देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया, येलो रखा हुआ, ये अच्छा लग रहा है। आप लोग आपकी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड को चॉइस कर सकते हो। फोटो ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपका जो भी बचपन का फ़ोटो होगा, जो भी आपका बचपन का फ़ोटो होगा, बचपन का मतलब 5 years अगो, जो भी 5 साल पहले का जो भी फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैनवास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसे फुल कर देना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से फुल करना है। यहाँ पर एडजस्ट करना है, राइट कर देना है। करने के बाद जो भी जो फ़ोटो है उसका ड्यूरेशन आपको रखना है 2.7 सेकंड का ड्यूरेशन रहेगा इसका, 2.7 सेकंड का। अभी आगे का वीडियो ऐड के प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके जो भी आप लोग बड़े हो गए, जो भी मतलब 5 साल के बाद का फ़ोटो है, वो पहले का फ़ोटो डाले या बाद का फ़ोटो है, तो उसको आपको रख लेना है इस तरीके से और एडजस्ट कर लेना है सेम तरीके से। वीडियो फ़ोटो म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोग म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले इंपोर्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंपोर्टेड वाला ऑप्शन ऊपर भी मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है। टेलीग्राम के अंदर एक वीडियो शेयर करूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो वीडियो के अंदर आप लोग को ऑडियो मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो भी आपका जो वीडियो है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर चॉइस वाले यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरीके से। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी आपका फ़ोटो बचेगा उसको इस तरीके से स्प्लिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर लेना है इस तरीके से। अब जो आपका वीडियो है रेडी हो गया, मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। Curious to see everybody's glow up, so show me a picture of you 5 years ago and a picture of you now. I'll start. This is me around 5 years ago, and this is me now. Wild.
सो इस तरीके से आप इस वीडियो को बना सकते हो। यहाँ पर एक सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसे वीडियो को सेव कर लेना इस तरीके से। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।